वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि जो आपका दिसंबर 23 का जो साइकोलॉजी का पेपर हुआ है, उसको हम एक बार एनालाइज करने वाले हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था या इजी था, और कट ऑफ बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, पेपर 1 कैसा था, पेपर 2 में क्या पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया, तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेगा साथ में, पूरे वीडियो को ध्यान से देखेगा। ठीक है, तो ये चीज है आपको आने वाली एग्जाम्स के लिए और आपकी जो एंजाइटी है उसको भी कम करेगी। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को? चलिए चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, जो आपका साइकोलॉजी का अभी पेपर हुआ दिसंबर, हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? अब एग्जाम को एनालिसिस करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाई एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, हमको एग्जाम एनालिसिस क्यों करना चाहिए, एग्जाम एनालिसिस करने से होता है क्या, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा देखते। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर गाइज आप लोगों को याद हो, तो अगर आप में से जो लोग भी पेपर दे करके आए होंगे, ठीक है, किसी का बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है, किसी का ओके ओके रहा होगा, किसी का बहुत बुरा रहा होगा, लेकिन इन सब से हट करके जो आपने अटेम्प्ट दिया, जो आपने मेहनत की और आप हिम्मत करके एग्जाम देने गए, तो ये सबसे बड़ी बात होती है, अप्रिशिएबल है। ठीक है, नंबर कम ज्यादा होगा नहीं होगा, हमने अपने एफर्ट्स किए, हम जितना कर सकते थे हमने उसके अकॉर्डिंग एग्जाम दिया। ठीक है, अब रिजल्ट का हमको उतना ज्यादा कोई फियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर हम वापस से तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ कमी आ रही है हम लोगों की, हम उस पर काम करेंगे और डेफिनेटली JRF एक दिन हमारा जरूर होगा। डन, चलिए आज उन लोगों के लिए जरूर अप्रिशिएट, उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करके इस एग्जाम को बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस करने से क्या होता है गाइस। जब हम एग्जाम एनालिसिस करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर, तो आपको ट्रेंड पता चलता है कि किस तरह का ट्रेंड आजकल एग्जामिनर यानी कि NTA पूछ रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड जब तक पता नहीं होगा आप अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते, तो ट्रेंड का पता चलना। नंबर 2 पे आप लोगों को याद होगा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि PYQs एनालिसिस करने से, PYQ को पढ़ के जाने से आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस इतने अच्छे से होती है कि ये प्रैक्टिस आपको हाई स्कोर अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। देखिएगा, अभी भी जो पेपर आपका आया तो आप उसको देखिएगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं उनसे मैच खाते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा पुराने नहीं, हाल फिलहाल में 23 का जो लास्ट पेपर हुआ, 22 का जो पेपर हुआ, 21 का जो पेपर है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जो कि मैं अभी बताती हूँ आपको, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो थे वो रिपीटेडली आस्क हुए थे। तो जिन बच्चों ने पुराने पेपर्स को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन की होगी, डेफिनेटली वो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि एग्जाम एनालिसिस हाई स्कोर करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, डेफिनेटली। और इसके अलावा अगर हम नंबर 3 की बात की जाए, तो आपको एक डायरेक्शन देता है कि नाउ अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, उतने नहीं आ रहे जितना आप चाहते थे, ठीक है, JRF नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो अब आगे किस डायरेक्शन में आप लोगों को जाना है, एग्जाम एनालिसिस उसमें भी आप लोगों को मदद करता है, यानी कि क्लियर कट डायरेक्शन आपको एग्जाम एनालिसिस देता है। इसलिए हम लोगों का एग्जाम एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर हम लोग क्या पढ़े क्या छोड़े, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है। डन, होपफुली बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ, आज की जो मेन बात है, क्लियर, बात करते हैं जो आपका अभी का पेपर जो आया था, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, बहुत सारे लोग, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है स्टूडेंट्स के थ्रू और जितनी इन्फॉर्मेशन में जुटा पाई हूँ उसके आधार पे, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि जो पेपर 1 था, पेपर 1 आपका थोड़ा सा कहने को मिल रहा है कि पेपर 1 जो था आप लोगों का, बेसिकली वो थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो पेपर 1 था उसमें बहुत ज्यादा मैथ थी। ठीक है, क्लियर, यानी कि
पेपर वन उतना इजी नहीं आया, उसकी मैथ डिफिकल्ट आई थी, बच्चों को मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम आई, अदर यूनिट से भी जो क्वेश्चन थे बेसिकली वो बहुत ज्यादा सीधे सादे नहीं पूछे गए थे, थोड़े से मॉडरेटली डिफिकल्ट आपका पेपर वन रहा है। तो डेफिनेटली पेपर वन का मॉडरेट टू डिफिकल्ट होना आपके स्कोर पे, ओवरऑल स्कोर पे और ओवरऑल कट ऑफ पे असर जरूर करेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपका पेपर वन जो था वो रहा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका पेपर वन रहा है। अगर पेपर वन मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है तो वो सभी के लिए रहा होगा, ठीक है, तो सभी के लिए रहा होगा तो सभी के मार्क्स पे और कट ऑफ पे उसका असर जरूर आएगा। इसके अलावा पेपर टू जो आपका रहा है, जितना मैंने टॉपिक्स को देखा है समझा है, तो नॉट दैट मच इजी बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट, मतलब कि आपका पेपर टू जो है वो इजी टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है इस बार, सॉरी इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोगों से बहुत इजी कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है वहां से, ठीक है। तो आपका पेपर वन मॉडरेटली डिफिकल्ट रहा और पेपर टू इजी टू मॉडरेट रहा, तो ओवरऑल अगर आपके देखा जाए कि यूजीसी एनटीए का पूरा पेपर अगर एक वर्ड में एनालाइज किया जाए तो आपका पेपर जो है वो बेसिकली किस कैटेगरी में आया, अगर इन दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो आपका पेपर जो है वो मॉडरेट रहा। ना तो बहुत ज्यादा इजी कहेंगे और ना ही बहुत ज्यादा टफ कहेंगे कि यार बिल्कुल ही आउट ऑफ द प्लेनेट क्वेश्चन थे, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से पेपर हमारा कैसे बनता है, मॉडरेट, ठीक है। अब जब मॉडरेट रहा है तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ वेरी करेगा लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है उसके साथ में, अभी हम उसकी भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रहा है, ठीक है। ये एग्जाम डिफिकल्टी का मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, क्लियर आई बात समझ में, क्लियर। थोड़ा सा अगर हम देखें तो पेपर वन में आपको टोटल कितने मार्क्स होते हैं गाइस, देखिए पेपर वन में आपको टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हुआ, ठीक है, बात समझ आ रही है। और इसी तरह से अगर हम पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में टोटल 100 क्वेश्चन, 2 ईच क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका पेपर हुआ, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर था, ठीक है। अब 300 में से आपको कितने मार्क्स लाने कि आपका नेट हो जाएगा और आपका जेआरएफ हो जाएगा, तो एग्जाम की डिफिकल्टी को देखते हुए आपका जो स्कोर है यानी कि जो आपका कट ऑफ जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर के आसपास मिलता जुलता ही आएगा, ठीक है। अभी जो लास्ट एग्जाम जो हुआ था आपका मार्च 2023 का, वो एग्जाम बहुत ज्यादा इजी हुआ था तो वहां पे कट ऑफ एकदम हाई गया था, ठीक है। लेकिन जो जून वाला एग्जाम था वहां पे पेपर अगेन आपका मॉडरेट आया था, क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को देख करके डिसाइड होता है, कोई एक फैक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। लाइक उस टाइम पे बच्चे, सारे बच्चों की प्रिपरेशन कैसी रही होगी, बच्चे जो उस टाइम पे निकले हैं वो किस तरह के निकले होंगे, पास आउट बच्चों को कितनी नॉलेज है नहीं है, इन सब चीजों के ऊपर क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है क्या कट ऑफ, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी की कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी, क्लियर। अभी अगर हमारे यहाँ पे बात की जाए तो मैंने अगेन बोला कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा आपका पेपर वन, ठीक है, और थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहा आपका पेपर टू, तो इन दोनों को मिला के हमारा पेपर हुआ मॉडरेट, ठीक है। तो मॉडरेट पेपर जो आपका आया था ये आया था आपका जून 23 का, जो अगर आप उठा करके देखेगा तो जून 23 का आपका पेपर हुआ था वो मॉडरेट पेपर था, ना तो बहुत ज्यादा इजी था और ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो अगर उसके बिहाफ पे देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो मार्च 23 का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा इजी था, तो आपको देखने में आ रहा होगा यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो नेट का कट ऑफ था वो 210 था, कितना था 210, और जेआरएफ के लिए कट ऑफ देखिए कितना हाई गया था 236 यानी कि 236, तो कुल मिला के 70% अगर आपके थे इस एग्जाम में तो आपका नेट क्वालिफाई हुआ था। और अगर आपका
75% के आसपास मार्क्स थे तो आपका जेआरएफ हुआ होगा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली इफ यू है ना ईडब्ल्यूएस का 190, ओबीसी के लिए 188, एससी के लिए 172 और 170 एसटी के लिए ये कट ऑफ रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये वाला जो मार्च 23 का पेपर जो था गाइस, वो बहुत ज्यादा इजी पूछा गया था, ठीक है। तो जब ये पेपर बहुत ज्यादा इजी था इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, प्लस इसमें टाइम भी बच्चों को बहुत ज्यादा मिला था प्रिपरेशन के लिए। वेयर इज जो आपका जून 23 का पेपर हुआ था वो मॉडरेट हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट का कट ऑफ है 194 और जेआरएफ का कट ऑफ रहा है 216, ठीक है, यानी कि 216 और 194, यानी कि आपने 64% के आसपास आपका नेट हुआ था और 72% पे आपका जेआरएफ हुआ था, क्लियर। और आपका जो अभी का पेपर है दिसंबर 23 का, वो आपका मॉडरेट रहा है, मतलब आपके कट ऑफ इस कट ऑफ के आसपास जानी चाहिए, ठीक है। अब अगेन कि हम लोग कोई हमारे पास कोई इंसाइट्स नहीं है कि बिल्कुल सही बताएंगे, लेकिन एक अंदाजा अगर पुराने ट्रेंड को देखते हुए हम लगाए तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ जाएगा ऑलमोस्ट, देखिएगा 194, 64% के आसपास अगर आपका स्कोर आएगा तो आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। और वहीं अगर आप 216 के आसपास या इससे ज्यादा स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ हो जाएगा। याद रखिएगा ये चीज अगेन वेरी करेगी, जो लोग रिपीटेडली नेट एग्जाम दे रहे हैं जिनका जेआरएफ नहीं हुआ था या ऑलरेडी जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, अगर वो भी एग्जाम दे रहे होंगे तो उनको देखते हुए जेआरएफ का कट ऑफ थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन नेट का कट ऑफ आप लोगों का बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही। देखो EWS का 176, 206 अगर आपका इसके आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, इसके आसपास अगर आपका स्कोर आएगा देन डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। उसी तरह से ओबीसी का भी सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। एससी वालों का 162, 190, ठीक है, एसटी वालों का 156 एंड 184, ये जेआरएफ का क्राइटेरिया। देन होपफुली गाइस आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कट ऑफ इस बार कितना रहने वाला है। अगर ये एक एस्टिमेशन है, ठीक है, लेकिन एक अगर आप इसके आसपास 200 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो नेट क्वालिफाई के हिसाब से। मैं अगेन अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रही हूँ, और अगर 216 से लगा के 230 के बीच आपके मार्क्स आ रहे तो डेफिनेटली आप लोग जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो। देन होपफुली बात समझ आ रही होगी। चलते हैं जो आपका पेपर टू आया था उसमें किस तरह के टॉपिक पूछे गए हैं और ज्यादा कुछ क्वेश्चंस जितने मेरे पास में आए हैं उसके बिहाफ पे हम देखते हैं उनके आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, जो टॉपिक आस्क किए गए हैं बेसिकली उसमें ये मेमोरी बेस्ड के, ठीक है, जो जितना याद रहा उसके अकॉर्डिंग, क्लियर। एक क्वेश्चन आपको फील्ड थ्योरी से आया था, ठीक है, कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी है वहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछने को आया था, ठीक है। फील्ड थ्योरी बहुत रिपीटेड टॉपिक है, इससे पहले भी फील्ड थ्योरी में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए होंगे तो आपको पता होगा कि फील्ड थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। देन क्लियर, चलिए अब बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। एक पैराग्राफ आपका रिग्रेशन पे आया हुआ था, प्रतिगमन जिसको बोलते हैं, रिग्रेशन आपकी यूनिट 2 का पार्ट है, ठीक है। अगर आपने रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे देन डेफिनेटली आप इसको पेपर को, मतलब इसको बना पाए होंगे, इस पैसेज के, इस पैराग्राफ के क्वेश्चन को। देन चलिए, एक और जो आपका पैराग्राफ था सुनने में आया था, जितना मुझे बच्चों ने बताया है कि वो बिहेवियर थेरेपी पे कुछ था, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी जो है वो आपकी साइकोथेरेपिस्ट का पार्ट है, यूनिट 9 का कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है। तो डेफिनेटली काफी इजी टॉपिक से आपका आया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी साइकोथेरेपी अगर आप लोगों ने अच्छे से की हुई होगी तो डेफिनेटली ये चीज आपको आपके एग्जाम में हेल्प की होगी और आपने होपफुली इसके क्वेश्चंस को सही बनाया होगा, ठीक है। अब अगर हम आगे की साइड बात करें, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था फ्लो से, फ्लो वाला इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। कहां से आया था?
फ्लो से, फ्लो जो है आपका यूनिट 10 का टॉपिक है ना, फ्लो वाला वेलबींग का यूनिट 10 का टॉपिक है, और ये बहुत रिपीटेडली आता है एग्जाम में, बार बार आता है, ठीक है। इससे पहले भी आपने इसके क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आ रही है गाइस? क्लियर? ओके, वेरी गुड। एडिटिव टास्क, एडिटिव टास्क मैंने अभी, अगर आप लोगों ने, मैंने जो आप लोगों को पीवाईक्यूज की सीरीज चलाई है वहां पे मैंने ये टॉपिक आप लोगों से बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एडिटिव टास्क वाला क्वेश्चन यानी कि टाइप्स ऑफ टास्क जो है वो मल्टीपल रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड, देखो ये भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू में, ये भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। क्लियर? अगर आपने पीवाईक्यू को सही से एनालिसिस करके उसकी टॉपिक लिस्ट बना करके अगर आपने काम किया होगा, देन डेफिनेटली नहीं जेआरएफ तो आपका नेट तो पक्का है। डन? क्लियर? ओके। तो एडिटिव टास्क में क्या होता है, जब सारे लोगों के टास्क ऐड होकर के बताए जाते हैं, ठीक है, तो एक टीम में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो टीम में काम करते समय क्या होता है कि सारे लोग, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई काम कम कर रहा है, तो सारे के टास्क जो है वो क्या होता है, ऐड होकर के निकल के आता है, कुल मिला के काम कंप्लीट हो जाता है। अगर पूरी टीम में जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, ठीक है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पर्टिकुलर काम यही पर्सन करेगा, तो ऐसे केस में सोशल लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जो मेरे सुनने में आया है, तो इसका आंसर सोशल लॉफिंग होगा। ठीक है, जब एडिटिव टास्क होता है सब मिलकर के काम करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं सोशल लॉफिंग की सोशल लॉफिंग होती ही होती है। डन? ये भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है गाइस, अगेन, ठीक है, प्रीजजिस वाला, ठीक है, प्रीजजिस से क्वेश्चन आता ही आता है, अगर आप लोगों ने पुराने पेपर देखे होंगे तो, ठीक है, तो प्रीजजिस वाला भी आपका मोस्ट रिपीटेड। अब अगर हम आगे की साइड बात करें, क्लियर, प्रीजजिस आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। क्लियर? फ्रॉइड से क्वेश्चन था, है ना, फ्रॉइड से क्वेश्चन आया था कि डेट ऑफ बर्थ क्या है फ्रॉइड की। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जहां तक मुझे याद है इनकी है 6 मई 1856। ठीक है, 6 मई 1856 जो है वो प्रोएट की डेट ऑफ बर्थ है। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आ रही है? देखिए, एक एक बार जब भी आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एक बार उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है या उनका एरा जो है कि वो किस एरा में एक्टिवेट थे, वो आप लोगों को पता होना मस्ट है। ठीक है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी बुक से क्वेश्चन आ जाते हैं, देन डेफिनेटली ये चीज आप लोगों को हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे आए इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर हम बात करें हेनरी मरे की नीड थ्योरी से क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी अगेन रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक रिपीटेड टॉपिक की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मरे से इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, आई थिंक 2018-17 में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं मरे की थ्योरी से, है ना। हेनरी मरे की कौन सी थ्योरी बची, नीड की थ्योरी, ठीक है, हेनरी मरे की नीड थ्योरी से क्वेश्चन था। तो डेफिनेटली आपको इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और यह से क्वेश्चन बहुत इजी था। क्लियर? चलिए, टाइप ए पर्सनालिटी, अगेन पर्सनालिटी वाली यूनिट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप एक और टाइप डी पर्सनालिटी या हार्डीनेस जिसमें होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, है ना। तो पर्सनालिटी के टाइप से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। ठीक है, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आपको आया हुआ एग्जाम में। क्लियर? और कहां से पूछा हुआ आपको, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगेन ये इतना ज्यादा रिपीटेड टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो प्रिपेयर करके रखना है कम से कम। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है, इसको आगे मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगी कि आपका आंसर इसका सही बना है या नहीं बना है, इसके स्टेप्स में बताती हूँ भी आपको आगे। ठीक है, क्रोमोसोम एनोमली से क्वेश्चन था, ये मोस्ट रिपीटेड है, आता ही आता है क्रोमोसोम एनोमली से क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। क्लियर? तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है, अभी और डिस्कस करते हम लोग। एरिक्सन की थ्योरी, तो एरिक्सन की थ्योरी मोस्ट रिपीटेड,
मोस्ट मोस्ट रिपीटेड बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, इसकी जो स्टेजेस है वहां से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों से, ठीक है। कौन कौन सा है मैंने आप लोगों को याद करवाया है, अगर आप लोगों ने, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लेक्चर बना हुआ है। इसके अलावा इससे जो मैंने अभी PYQ सेशन आपको करवाए थे, अगर आपने वो देखे हुए होंगे तो वहां से आपको इसमें बहुत हेल्प मिल सकती थी, ठीक है। होपफुली आपने ये आंसर सही किया होगा, क्लियर। एरिक्सन की थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है आपके सिलेबस का, ठीक है। चलिए, एक सुनने में आया कि पियाजे से भी क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो ये दोनों आपके यूनिट 9 के पार्ट है गाइस। कौन सी यूनिट से आए हुए हैं? यूनिट 9 जो कि आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की यूनिट है, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन, ये टॉपिक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है आपकी उस पर्टिकुलर यूनिट से, ठीक है। देखिए कितना इजी पेपर है, अगर आपने बस PYQ वाले सेक्शन भी देखे हुए होते ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाते, ठीक है। कोई ना, होपफुली आप लोगों ने सही किए होंगे ये। चलते हैं आगे की तरफ। मेमोरी, मेमोरी तो 100%, जब मैंने आपको जब भी पढ़ाती हूँ मैं बोलती हूँ कि ये 100% टॉपिक है। मेमोरी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है, 100% आता ही आता है। ठीक है, मेमोरी से बार 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 क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ आपसे, और होपफुली आप लोगों ने इसको सही बनाया होगा। इसके बाद में बात करें हम मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट प्रिजर्वेशन क्या होता है, कुछ इस तरह के टॉपिक्स है तो जो बार 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 आते हैं। ये अगर आपने 2018 का पेपर सॉल्व किया होगा तो 2018 के पेपर में ये टॉपिक पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये रिपीटेड टॉपिक है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। 2018 में और 19 में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। डन, बात समझ आई? ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। आपसे यमस के बारे में पूछा है, यमस की स्टेप्स के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। योगा से क्वेश्चन है, याद रखिएगा मैंने बोला था योगा वाला टॉपिक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। डन, चलिए चलते आगे की तरफ। फैक्टर एनालिसिस से एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि कौन सी मैथ, कौन सी थ्योरीज जो है वो फैक्टर एनालिसिस है वाली बनता है। ये क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको रटा हुआ होना चाहिए ये तो, कि जो आपके केटल, केटल की जो थ्योरी है और आइजेंक की जो थ्योरी है, ये दो थ्योरी जो है ये आपकी फैक्टर एनालिसिस पे बेस्ड है। यानी कि जो केटल की थ्योरी है और जो आइजेंक की थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, बेसिकली वो आपकी फैक्टर एनालिसिस पे बेस्ड थ्योरीज है, परसेंटी थ्योरीज है। आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एज इट इज अगर आप लोगों ने PYQ सॉल्व किए होंगे तो एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए यूथेंसिस है, ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक है जो उन्होंने पूछा है। मैं इसके लिए ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत रिपीटेड टॉपिक है, ये काइंड ऑफ एक न्यू टॉपिक है। होता क्या है यूथेंसिस, देखो यूथेंसिया में क्या होता है बेसिकली, वो लोग जो मरने वाले होते हैं, जो डेथ बेड पे होते हैं, ठीक है, तो उनसे उनकी जो डेथ है उसको डिसाइड करना, ठीक है, कि वो खुद डिसाइड करेंगे या डॉक्टर डिसाइड कर रहे हैं, जो कुछ भी इस तरह की फिनोमिना है, ठीक है, उसकी डेथ के बारे में, जो बिल्कुल डेड बेड पे है उसकी डेथ के बारे में लेना, कि उसको मरना है नहीं मरना है, उसको लेकर के जो डिसीजन होते हैं वो आपके इस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें आपको चार ऑप्शन दिए थे, और वहां पे शायद ये मैच में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन किस तरह से आया था उस बारे में। तो ये न्यू टॉपिक है, हालांकि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक की कैटेगरी में ये नहीं आता है, ठीक है। चलिए, एरर वेरिएंस, ये तो रिपीटेड टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड तो नहीं कह सकता लेकिन रिपीटेड है। मैंने आपको PYQ सेशन में ये करवाया है, ठीक है, क्लियर। एरर वेरिएंस के लिए हम बोलते हैं ना बिटवीन डिजाइन, ठीक है। एरर वेरिएंस के लिए क्या यूज करते हैं, बिटवीन डिजाइन यूज करते हैं या विद इन डिजाइन यूज करते हैं, गाइज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, क्लियर। जब भी हम एरर वेरिएंस की बात करते हैं, हम विद इन डिजाइन की बात करते हैं, विद इन ग्रुप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर विद इन ग्रुप आएगा। क्या आंसर आएगा इसका? विद इन ग्रुप, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। देखो ये डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ये आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है ना, ये आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, क्लियर।
वेरिएबल्स के टाइप से आते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू पूरी होती है, इंटीजर वैल्यू होती है, 100% वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर आपके कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू डेसिमल में भी पॉसिबल होती है। जैसे आपका अगर हम बात करें हाइट की बात करें, हम वेट की बात करें, तो ये क्या हाइट हो सकती है 5.2, 5.3 इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपका अगर हम बात करें ले सपोज कि अगर हम बात करें नॉमिनल डेटा की, जैसे मेल और फीमेल, ठीक है, तो मेल और फीमेल आपका एक तरह से कौन सा डेटा हुआ, कौन से वेरिएबल हुए। मेल और फीमेल की अगर बात करेंगे तो जेंडर जो है वो आपका कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डेसिमल में ही, इसको अलग करके बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे अगर हम बात करेंगे गाइस, ध्यान से देखिएगा, क्लियर। ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर। अभी एक क्वेश्चन एग्जैक्टली बताया नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था ऑटोबायोग्राफी का। रिसर्च से अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो डेफिनेटली ये बहुत रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है। तो ये, और अगर इसका कुछ और गाइज, अगर आपको क्वेश्चन, आपको कुछ और पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, ताकि और अगर क्वेश्चन मेरे पास आए तो एक और डिटेल्ड एनालिसिस जरूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम आगे की साइड में। टेम्परल लोब एपिलेप्सी के बारे में बताया गया, याद रखिएगा, टेम्परल लोब एपिलेप्सी जो है वो कौन सा इमोशन जनरेट करती है, वो फ्रस्ट्रेशन जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। बात समझ आ रही है गाइज? होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। अगली बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से क्वेश्चन कैसे पूछे हुए, अभी वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग, आगे देखेगा, क्लियर। कंफर्मिटी से क्वेश्चन। कंफर्मिटी सोशल साइकोलॉजी का मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। कंफर्मिटी क्या होता है, कॉम्प्लायंस क्या होता है, नॉर्म्स क्या होते हैं, तो ये मैंने, अगर आपने पुराने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो मैंने इसके ऊपर लिखा था 100%, ठीक है। तो ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कहेंगे इसको, और ये 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, डन। ओके, कुछ इस तरह से सोने की चेन वाला कुछ क्वेश्चन था कि अगर एक पहन रहा है तो बाकी लोग भी उसको देख करके पहन रहे हैं, ठीक है, तो उसका आंसर कंफर्मिटी होगा कि एक को देख करके आप क्या कर रहे हो, सब लोग भी वही काम कर रहे हो, तो ये कंफर्मिटी को दिखाता है, क्लियर। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में आया था, आई थिंक ऑटोक्लिटिक के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। स्किनर की थ्योरी से क्वेश्चन है, क्लियर, बात समझ आ रही है। चलिए आगे की साइड अगर हम बात करेंगे तो, अगर डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन था, फ्रॉयड के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक अगेन, ये अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो अगेन ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। एक मैंने सुना है कि यूंग के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यूंग का क्वेश्चन जो आपकी यूनिट सेवन का पार्ट है, ठीक है, यूनिट सेवन जो है आपकी मोटिवेशन वाली, वहां पे जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज है उसमें यूंग की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी अगेन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक था, या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, रिपीटेड तो मोस्ट रिपीटेड तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर है, क्लियर। चलिए एचपीएक्स से क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ था, ठीक है ना। मेटाकॉग्निशन से भी कुछ सवाल थे आपके, है ना। मेटाकॉग्निशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, क्या आप थिंकिंग के बारे में थिंक कर रहे हो, कि आपके माइंड में जो कुछ चल रहा है आप उसी के बारे में वापस से विचार कर रहे हो, कि जो कुछ आइडियाज आपके माइंड में चल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में, तो थिंकिंग के बारे में वापस से थिंक करना, ये आपका मेटाकॉग्निशन की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म टिकनर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था आई थिंक, ठीक है। टिकनर और स्ट्रक्चरलिज्म में वून का नाम भी आता है, याद रखेगा, क्लियर। चलिए अब बात करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग से कुछ क्वेश्चन था, ब्रेनस्टॉर्मिंग के कंपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ टॉपिक थे जो मेरे पास में आया, सोशल साइकोलॉजी के जो हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं, आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके मैथ्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं, ठीक है। पावर एनालिसिस
एनालिसिस से क्वेश्चन था कि पावर एनालिसिस को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, तो पावर एनालिसिस को टाइप टू एरर को कम करके बढ़ाया जा सकता है। पावर एनालिसिस को बढ़ाने के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उनमें यह सबसे पहले आता है कि टाइप टू के एरर को कम कर दिया जाएगा तो टेस्ट मतलब पावर टेस्ट को क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकते हैं। डन, चल आगे बात करेंगे हम फैक्टर एनालिटिक थ्योरी। है जो मैंने आपको डिस्कस करवाया याद है करवाया है कि कैटल और आइजेंक की थ्योरी होती है जो फैक्टर एनालिसिस के पे बेस्ड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ फ्रॉयड कितनी बताई गई है, 6 मई 1856। मैंने आपको ये जैसे बता दिया है, प्री जजेस में आया है। ठीक है, प्री जजेस अगर इकोनॉमिक चीजों को लेकर के कंपटीशन हो रहा है, यानी कि स्केर्सिटी की वजह से अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है, तो वो वाला टॉपिक वो किससे आता है, वो डायरेक्टली आपकी रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ये बात की जाती है। क्लियर, किसकी, कंपटीशन की। क्लियर, चलिए। और है ना सोक्रेटिक क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चन आया था। देखिए, सोक्रेटिक क्वेश्चन जो है वो आपकी आरईबीटी जो साइकोथेरेपी है उससे रिलेटेड है, यानी कि रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, जो कि आपको एलिस ने दी है, वहां से सोक्रेटिक क्वेश्चन होते हैं। सोक्रेटिक क्वेश्चन कौन करता है, काउंसलर करता है। किससे करता है, क्लाइंट से करता है, ताकि जो क्लाइंट है वो ईज में आ जाए और अपनी बात को अच्छे से काउंसलर के साथ में साझा कर सके, उससे शेयर कर सके। ठीक है, तो डेफिनेटली सोक्रेटिक क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, आपका आरईबीटी से। और ये क्वेश्चन कौन पूछता है यहाँ पे, जो काउंसलर होता है वो क्वेश्चन पूछता है। किससे पूछता है, क्लाइंट से पूछता है। ठीक है, मिरेकल क्वेश्चनिंग आपकी एफएफबीटी का पार्ट है, मिरेकल क्वेश्चनिंग। ठीक है, डेफिनेटली एडिटिव टास्क मैंने आपको बताया, सोशल लाइफिंग को बढ़ा देते हैं। क्लियर, उसके अलावा वन इंटरवल एंड नेचुरली डिस्क्रीट, अगर ऐसा कोई, अगर आप लोगों को पता है स्पेशल टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, स्टेप स्पेशल टाइप्स ऑफ कोरिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, यहां से हमेशा से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब स्पेशल कोरिलेशन की बात होगी तो पॉइंट बाय सीरियल, बाय सीरियल, ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, टेट्राकोरिक कोरिलेशन क्या होता है, तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके रखना है। आपसे यहाँ पे बाय सीरियल का पूछा था, और बाय सीरियल में किसके बीच में कोरिलेशन देखा जाता है, आपका एक इंटरवल वेरिएबल होता है गाइस यहाँ पे, और एक नेचुरली डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है गाइस, क्या बोला, कौन कौन सा होता है, एक वन इंटरवल वेरिएबल होता है, ठीक है, और एक आपका नेचुरली डिस्क्रीट वेरिएबल होता है ना। चलिए आगे बात करेंगे, इसको पॉइंट बाय सीरियल कहते हैं। क्लियर, पॉइंट बाय सीरियल से क्वेश्चन आया था, आगे भी आएंगे, यहाँ से आपको याद रखना है। कंफर्मिटी से आया था, जो मैंने आपको बता दिया है। फॉरेन हल का कॉन्सेप्ट पूछा था, जो कि फील्ड थ्योरी से आया हुआ है। फील्ड थ्योरी आपको किसने दी थी, कर्ट लेविन के द्वारा दी गई फील्ड थ्योरी से यह आता है कि फॉरेन हल क्या होता है। अगर आप लोगों ने इस तरह का डायग्राम देखा हो, ठीक है, इस तरह का डायग्राम फील्ड थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन था। डन, चल होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की साइड में। अगला आपका क्वेश्चन था कुछ इस तरह से कि जो एब्सोल्यूट जीरो है वो किस में होता है। ये तो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो डेफिनेटली रेशियो स्केल में होता है। कितने टाइप की स्केल होती है, ये टेस्टिंग से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये होता है पहले नॉमिनल स्केल, ठीक है, जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं। ऑर्डिनल में हम रैंक देखते हैं। ठीक है, इंटरवल में आपका क्या आ जाता है, एक पद आगे आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, बाकी सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, एब्सोल्यूट जीरो आपका किस में होता है, रेशियो स्केल में होता है। ठीक है, तो रेशियो स्केल में आपका एब्सोल्यूट जीरो आएगा डेफिनेटली। क्लियर, और अगर हम बात करें ट्रांस थ्योरी के स्टेप्स की, तो यहाँ पे मैंने इसके स्टेप्स दिए हैं, आप लोगों को देखना है कि आप लोगों ने क्या आंसर इसका किया है। ठीक है, पहले सबसे प्री कंटेम्पलेशन की बात होती है, उसके बाद में कंटेम्पलेशन होता है, फिर प्रिपरेशन होती है, एक्शन होता है, और फिर मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है,
अभी मेरे पास में जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके बिहाफ पे मैंने इसको एनालिसिस करने की कोशिश की है। होपफुली आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा, कट ऑफ का भी थोड़ा आइडिया होगा हुआ होगा कि कट ऑफ कितना ऑलमोस्ट रहने वाला है। ठीक है, बाकी का जब पेपर मेरे पास में पूरा आएगा और भी अगर क्वेश्चन मेरे पास आते हैं तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। डेफिनेटली प्लीज गाइस जुड़े रहिएगा साथ में, और टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट का इंतजार कीजिए, आराम कीजिए, फिर नेक्स्ट जब आपका रिजल्ट आता है तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है, फिर आगे की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर रिजल्ट। एंड प्लीज नर्वस नहीं होना है, जिन लोगों को लगता है कि उनका स्कोर बहुत कम रहने वाला है, उतनी तैयारी नहीं थी, तो आप आज से ही अपनी तैयारी वापस से शुरू कीजिए। जिन लोगों को लगता है कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है, वो आंसर की का वेट कीजिए, रिजल्ट का वेट कीजिए, डेफिनेटली फिर हम आगे की स्टेप जो है उसके अकॉर्डिंग, अपना जो अगला स्टेप है उसके अकॉर्डिंग डन। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।